जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे वृंदा डेली ब्लॉग्स पे। और दोस्तों, आज है वृंदा के स्कूल की छुट्टी, क्योंकि आज है गांधी जयंती। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो वृंदा इधर आओ। नहीं अभी भाई, वृंदा भी सो के उठी है और मैं भी। वो कितनी घुसोरी छुट्टी के नाम पे वो अच्छा, अभी से पढ़ाई भी याद आ रही है। मैं पढ़ाई भी करनी, उठते ही सो के उठते ही मुझे पढ़ाई भी करनी। अभी से पढ़ाई भी याद आ गई। अपनी ऑडियंस से बात तो कर ले एक बात। देखो भाई गाइस, मैं इसके लिए ये लेके आया था, ये टैबलेट सी। अरे ये बंद भी नहीं हो रही, क्या हो गया उसमें? अब क्या कर दिया इसने इसमें? बंद भी डिलीट क्यों हो रही? मुझे लग रहा है इसका तो सेल डाउन हो गया होगा, या फिर इसमें कुछ कमी आ रही होगी। अब इसमें देख रहा हूँ, लॉक तो अनलॉक है, पीछे से बटन देते हैं मैं अनलॉक का। लॉक का तो फिलहाल तो अनलॉक है। देखो आपको दिख रहे होंगे ना इसका, ये इसने वृंदा ने किए हुए। अब बटन का बटन, ये बटन दबा रहा हूँ तो डिलीट नहीं हो रहा। क्या किया तूने इसमें? बैग में धर के सुखा दिया, पानी में ही डाला था इसको। नहीं। तो फिर ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा, खराब क्यों किया? मैंने निकला। बहुत तेज हो रहा है। जय श्री राम तो बोल दो। जय श्री राम ही बोलोगे? जय श्री राम। तो भाई वृंदा इतनी एक्साइटेड है क्योंकि इसकी स्कूल की छुट्टी है ना, इसलिए। किसने बताया आपको स्कूल की छुट्टी है? मम्मी ने बताया। अच्छा चलो, तो भैया ये इसका जो टैबलेट है इसको सही कराएंगे आज जाके, और देखेंगे इसमें क्या कमी है क्या नहीं। ये यहाँ से खुलेगा, इसमें पैंच दे रखे ना, तो इसका मुझे लग रहा है सेल डाउन होगा, तो इसमें सेल डलवा देंगे बढ़िया सा। ठीक है, खुश हैं? इतने सारे सेल रखे? हाँ। वे सेल नहीं डलेंगे, छोटा सेल आता है, छोटा सेल डलेगा। समझ में आया? इतने सारे सेल रखा। चल अब जाके नहा धोई कर ले। ठीक है चलो। पापा हाँ, मम्मी से बोल दूँ नहला दूँ? मैं, मेरे पैर में चोट है ना, तो मैं कैसे नहलाऊँ? नहीं तो मैं नहला देता। गाइस मैं बताता हूँ, काफ़ी टाइम से ना मैं ही वृंदा को नहला रहा हूँ, क्योंकि जब तक मेरे पैर में चोट नहीं लगी थी, आज वृंदा तो मिस कर दिएगी। पापा ने नहीं नहला रहे, मम्मी ने नहला रही। अच्छा बता, तुझे कौन अच्छा नहलाता है, पापा या मम्मी? मैं। मेरा बेटा। तो गाइस अभी आज इसका फुल एंड फाइनल वाला प्रॉपर तरीके से आज पता लगेगा इसका। आज ये क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि आज इसकी ड्रेसिंग करेंगे। अगर ड्रेसिंग करते वक्त मतलब खोलेंगे पट्टी, तो अगर ये ठीक पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसको देखते हैं क्या होता है। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है आज, कसम से दोस्तों, बहुत डर लग रहा है। क्या सुई लगेगी? तू कुछ हो रहा फिर मेरे सुई लगेगी तो रो रो सर। मतलब तू खुश हो रहा है कि मुझे सुई लगेगी, डॉक्टर मुझे सुई लगाएगा, इतनी खुशी? दांत काट लूँगा बाहर। बताओ भाई कैसी लड़की है, इसके पापा क्या सुई लगेगी? ये मैडम खुश हो रही, अभी बताता हूँ इसको, दो तीन रैपिड लगाता हूँ उसके, एक दो तीन। आया मजा? आया मजा? आ गया गाइस, अभी नहा धो के एकदम रेडी हो चुके हैं। अभी जस्ट मैंने आज मावस है ना, तो आज मैंने देवी देवी देवताओं की जो ऑरेंज वाले बिस्किट, अभी रुक जाओ मैं एक बार बात कर लूँ, फिर आपको बात फिर दिलाता हूँ। अभी सभी देवी देवताओं की रोटी निकाली है भाई मैंने, जो कि हमारे पितर थे, क्योंकि आज मावस है। और ये देखो भाई, अभी जाते हैं ऊपर जल देने के लिए। ठीक है, अब मैडम की डिमांड सुनते हैं। भाई बहुत परेशान हो रही है, बिना दो के रेडी हो चुकी है। बताइए क्या बात है? ऑरेंज वाले बिस्किट खाने हैं? अच्छा ठीक है बेटा, अभी जस्ट ऊपर से आ जाऊँ एक बार, मतलब जल दे के आ जाऊँ। ठीक है, तू कुछ मेंटल है? ले जाओ पापा आ रही है।
क्या हुआ? चुप रह, जा रहा हूँ भाई, या तो नो नो करती रहेगी, इसका बस चला गया, सभी को नो कर देगी। चलो भाई, अपने आप भी ले लेकर पानी है भाई, चल ले अंदर, ले ये देखो दोस्तों, इसके आगे पीछे 4-5 तो से नौकर चाहिए, जब जाके पानी पिएगी। चलना नहीं क्या? चलना नहीं, जा चलिए, जा सो जा, कुछ ना ना, कुछ नहीं ना, हम नहीं कुछ कह रहे, हमारे से गलती होगी, हम कुछ कह ही ना रहे तुझे, पानी मत खिला दिया, मम्मी गुस्सा करेगी। ला ला, अरे दे दे बाबा, लाओ बेटे लाओ, या तो पी लो या दे ही दो, लाओ दे दो, लाओ बेटा लाओ। अब क्या हो गया मम्मी को? एक बोतल अभी दे रहा। हाँ बता, घड़ी पिला दूँ? बिना घड़ी के रह ले, क्यों? चल ठीक है, अभी पिला, दिखाना कैसी लग रही है घड़ी, दिखाना किसके लिए ले जा रही है? लास्ट में बहुत बहुत ठीक है, मैं भर रहा हूँ, किसके लिए ले जाना है वो? मम्मी के लिए। अच्छा, एक चाटा लगवा ले, अरे एक चाटा लगवा ले, साले भाग जा, तारे तो तेरी तो सीज करूँगा, आ जा रुक जा, आ जा, एक चाटा लगवा ले। अच्छा तो गाइस अभी जा रहे हैं भाई डॉक्टर के पास में, देखते क्या बताता है भाई आज, क्योंकि इसकी ड्रेसिंग होनी है पैर की। आराम से चलते हैं। तो भाई फिलहाल डॉक्टर के पास आ गया, अब देखते हैं क्या बताते हैं डॉक्टर साहब। और भाई वहाँ बैठे अंदर, देख लो भाई पर्चा भी देख लो। तो भाई अभी बाहर बैठाने को कहा है, क्योंकि अभी अंदर पेशेंट है आज, वैसे तो ड्रेसिंग के लिए बोल रहे हैं, बाकी देख के पता लगेगा इसमें भी और क्या हो सकता है। हाँ डॉक्टर साहब, दर्द तो कम है जी। तो गाइस फिलहाल अभी एक दिन की दवाई लिखी है, और बाकी पैर की जो कंडीशन है वो कह रहे भाई मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया हो गया, तो फिलहाल ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो ऑपरेशन बोल दिया था डॉक्टर साहब ने, मतलब पहले दिन बोल दिया था, हो गया गाइस। अभी जा रहे हैं घर पे, क्योंकि अब बस खाली दवाई दी है, तो दवाई लेके घर पे जा रहा हूँ, ठीक है चलो। तो भाई अपनी परारी में भी हवा चेक कई दिनों तक नहीं हुई, फिलहाल इसकी एक बार हवा चेक करा ले, क्या बता रही है, बताइए भाई बस क्या क्या खाओ, कितनी कितनी हवा अगले पिछले में, ठीक है उस्ताद देखियो, 20 मराई हो रही थी बिल्कुल भाई, पिछले में 20 थी, अब इसमें देखो इसमें कितनी पाओगी भाई, रेगुलर इनका एक हफ्ते में ट्रीटमेंट होना चाहा, कितनी है ए 50? अरे हाँ इतना मजाक कर रहा भाई, सच पता कितनी थी? 50 थी। तेरी भाई रे 50 हो रही इसमें, मतलब अगर एक दो दिन ऐसे चला तो पड़ जाता टायर गेट हो रहा था मसला। तो भाई मिस्त्री साहब को भी संतुष्टि हुई, वे कह रहे हैं भाई पंचर चेक करना पड़ेगा, तो भाई पूरी संतुष्टि करके जब छोड़ दें, हमें ऐसे छोड़ते भी नहीं, अब देखो इसमें पंचर चेक करवा रहा। क्या देखा ओके हैं, क्या कह रहे? सही है, सही है, अच्छा चलो भाई होगा काम, ठीक है क्या कह रहे हैं डॉक्टर ने? भाई देखो कितनी बढ़िया लड़की है मेरी, गेट पे खड़ी ये देखने के लिए कि भाई मैं कब आऊँ और कब ये मेरे बारे में आके पूछे। भाई इसने में डॉक्टर ने बताया कि ये बिल्कुल अब तुम्हारा ठीक हो चुका है, दवाई खाओ और अपनी लड़की के साथ इंजॉय करो। डॉक्टर ने ये तो बताया कि अब ठीक हो गया पैर,
अब मौज करेंगे। क्या क्या ऑरेंज भाई आज इसको ऑरेंज वाले बिस्किट खिलवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो तो अभी मैं ला कर आदमी आता हूँ, थोड़ा पानी पी लूँ। अच्छा तू देगी? ओ भाई साहब आज तो यार सूरज कहीं और से निकला पक्का। भाई साहब मैं बैठ जाता हूँ आराम से, इतने भी भाई लाए। चलो ओहो वो कितना काम कर रही है आजकल ये, देख इसका मुँह हैं। चलो भाई लेके आते हैं, मैडम की डिमांड को पूरी करते हैं भाई। इतनी देर से भाई मेरा वेट कर रही थी, तो ऑरेंज का बिस्कुट इसके लिए बढ़िया वाला, ठीक है। ओके तू भी चलेगी? गर्मी हो रही बाहर, चलेगी? चल तो चला। चलो भाई अरे यू क्या है वो तेरी गाइस, ये देख लो ये फ्रिज में फोन रखा है इसने मैडम ने। यू क्या काम जोड़ रखा तन्ने एरी, फ्रिज में फोन रख रखा है। केक है वैसे भी, मुझे लगा याद है वैसी शिक्षा फ्रिज में फोन रखने की। सर हमने आती थे हैं, पापा का फोन आता हुआ। देखो भाई मेरे लड़के ने तो भाई मुझसे आते पूछा, लेकिन इसने अभी तक नहीं पूछा कि तुम्हारे पैर में डॉक्टर ने क्या बताया हैं। अच्छा हमारे घर की तू, चल भाई चल, हम तो बिंदा को सामान दुकान जा रहे, हमारे तो कोई पता लेता ही नहीं। मार तो लड़की ने पता ले लिया वही बहुत है भाई हैं। इसे एक ऑरेंज वाला बिस्कुट दे दियो, पाँच वाला दे ले। वहाँ ना जावे, वहाँ कहाँ देख रही, मैं जाऊँ तू क्या करे। देखिए सबसे बढ़िया वाला बिस्कुट ले, ऑरेंज वाला, ऑरेंज वाला है बेटा। चले बेटा मजा आ गया हैं, कैसा लगा बिस्किट? ओहो गाइस देख रहे हो, पहली बार भाई वृंदा ने अपने आप से कुछ दिया। अरे वाह भाई वाह भाई, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कसम से, लेकिन बस कहना कि जब तक आदमी थोड़ा थोड़ा बराबर है ना तो बुद्धि से आती रहे। भाई एक नंबर के, एक नंबर के, बढ़िया फर्स्ट क्लास। कैसे लगे? बढ़िया। अपने पड़ोस में भाई अपने डोमिनोज खुल गया, बहुत बेहतरीन तरीके से। अब तो भाई पार्टी हो रही, क्योंकि जो लोकल पिज़्ज़ा थे वे भी अच्छे बनाते थे, लेकिन डोमिनोज एक ब्रांड है, मज़ा आएगा भाई वहाँ। और आज की पार्टी आशीष की तरफ से होगी। आज तो बंद है वो। अरे अरे ये तो बेहतरीन जोक कर दिया हमारे साथ में। आज क्यों बंद है भाई? कल ओपनिंग है, आज बंद है इसलिए। तो भाई अभी देखो वीरेंद्र है ना, ये मलाई वाली मतलब मलाई और चीनी का वो जो शेक में मिक्सअप होता है ना, तो ये बनवा लिया अपनी मम्मी से। अब मैं इसको एक बोल रहा हूँ कि एक पराठा और बनवा ले उसके साथ में, तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। जा जा अब देखना भाई इसकी मम्मी का रिएक्शन। भाई अब इसकी डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी ना, देखिए गलत नहीं कह रही, बना दे भाई इसका पराठा, वैसा ना करे बिंदा बनवा ले। गलत कुछ नहीं है, सही है। ओ काटे मत बेटा, काटते नहीं, गंदी बात होती लग गई इसके चूड़ी। चलो भाई अभी मैं तेरे लिए डोमिनोज का पिज्जा लेके आता हूँ, तू रो मत, ठीक है, रो मत। तू भी चलेगी? चल तू भी चल हमारे साथ में, आ जा तू भी चल हमारे साथ में। गाई इसे भी लेके चलेंगे भाई डोमिनोज का पिज्जा लेने के लिए। चलो भाई चलो। तो भाई ये रहा बड़ौत में डोमिनोज, फिलहाल अभी देखते हैं अंदर जाके क्या क्राइटेरिया है। चलो 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 चलो, क्या हो रहा, बंद हो गया काम चल रहा? तो भाई फिलहाल तो इसमें काम चल रहा है, अभी मना कर रहे देने के लिए, कह रहे कल इसकी ओपनिंग है, मज़ा आ जाएगा भाई एक नंबर का। ये तो बंद हो गया बेटा, मतलब अब तो कल मिलेगा। चले क्यों, मज़ा आ रहा? कह रही बाबा नहीं चलना, ये तो हिम्मत आ रहा बढ़िया एकदम। तो भाई वहाँ तो काम चल रहा है फिलहाल, 2 या 3 बजे का टाइम बताया उन्होंने कि भाई पिज़्ज़ा वगैरह जब मिल सकता है, लेकिन उससे पहले ही भाई बुक कर जा जाता ना। तो फिलहाल अपना खाना आ चुका है, देसी डाइट अपना भाई लेंगे, बाबा की दया लाड़ ले। आप भी आ जाओ भाई, अब भी लो बोल जय बाबा की, आ जा बेटा खाना खा ले,
खा ले तूने? अच्छा चल, तो मैं ही रहेगा था कि भूखा। तो भाई खाना पीना हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं दोबारा से डोमिनोज में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अभी चल रहा है हवन, तो भाई आप आना एक घंटे के बाद, तो अभी जा रहे हैं। ठीक है, भाई देखो इसमें कितना दिमाग है यार, अल्टीमेट भाई। देखो थैला ले लिया इसने, क्योंकि भाई डोमिनोज वाले थैले के परचेज कर रहे 10 रुपये चार्ज, तो यार पहले से अपना थैला लेकर चली। क्या डा भाई मसाला, क्या हुआ गाड़ी खुल गई? कोई बात नहीं सर, तू गाड़ी को यहाँ रख दे, यहाँ रख दूँ मैं, सब बाद में ले लेंगे। ठीक है चलो। अब भाई बात तो आया थी वहाँ जगह मैं मिल जाए, और क्योंकि आज मैं इतना जोर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि कल से नवरात्र शुरू हो जाएंगे, तो भाई हमारे पास रहेंगे, तो आज हम सोच रहे कि क्यों ना डोमिनोज का पिज्ज़ा ले लिया जाए, और कल से उसकी ऑफरिंग शुरू हो जाएगी, तो हम कल का वेट नहीं कर सकते क्योंकि भाई हमारे फास्ट हो जाएंगे, है ना? तो चलिए भाई चलते हैं। फिलहाल भाई भीड़ देखो तुम, एक नंबर की होली। हाँ बेटा, हैं कोल्ड ड्रिंक भी पीनी? अच्छा कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे थे, और बता। अभी भाई हमारा ऑर्डर आओगे थोड़ी देर में, इतना हम बैठे आराम से, अभी देखो इसमें काम चले लग रहा। तो भाई फिलहाल देखो डोमिनोज का ये वाला पिज़्ज़ा लेके आ गए हम, और कैसा बढ़िया नहीं है, मज़े नहीं आया? तो भाई बेटे इस वजह देखते भाई क्या मज़ा आया नहीं है। कुछ इस तरीके का डिब्बा है इसका, ये लग रहा होगा कि यार ये चीज़ तो हम रोज़ खाते हैं, रोज़ देखते हैं भाई, बड़े शहर के आदमी हो आप लोग, लेकिन हम भाई थोड़ा छोटे लेवल शहर के आदमी हैं, तो हमारे यहाँ पहली बार खुला, तो भाई इतना थोड़ा एक्साइटमेंट है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी भाई वृंदा ने कुछ भी हमें शेयर वेयर नहीं किया, ना पिज़्ज़ा शेयर किया, ना पेप्सी शेयर किया, अपना आप ही खा रही है जब से। आप ही बताओ इसके बारे में क्या कहोगे? कहाँ चलो? गोबल लैंड। चलो भाई फिलहाल देखो गाइस, माता रानी आ चुकी है घर पे, कल से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। चलो हटियो, क्या कह रही? चलो चलो, क्या कह रही तू दादी? कुछ तो कही तन्ने, कुछ तो कही तन्ने, मैं देता कुछ दी। जूते कहाँ तेरे? जूते पहन ले, सामने रखे सामने। स्लीपर कहाँ तेरे? स्लीपर कहाँ है? पता ही नहीं तुझे तो। चल तू भी। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं भाई माता रानी के लिए, वो माता रानी के लिए कह रहा, गाय का गोबर जरूरी होता है ना, तो वो लेने के लिए जा रहे हैं। चलो ये दोनों, यहाँ बहुत जल्दी हो रही दोनों को मेरते हैं, ये दोनों आगे आगे हम पीछे पीछे। ओ भाई विजय बिल्ली कहाँ से निकली है देखो, किस छेद में से निकली। चल चल आराम से, ताड़ा लग रहा इस पर, कूद के भाग रहा। माता ये हाँ तो मैं चढ़ता हूँ, मैं बोतल यहाँ देते जाके पहले, अब यहाँ तो जाके गाय का गोबर फावड़ा कहाँ, यहाँ वो कुछ ना सफेद का गोबर फावड़ा देखना पड़ेगा पहले, तो है यहाँ फावड़ा वावड़ा, तो बिल्ली तो है। हाँ इस तभी दे दूँगा भाई, चलो ऐसे ठाकर दे दूँगा मैं। चलो तो भाई गाय का गोबर ले लिया, बड़ी मुश्किल से चढ़ चुटा के लिया, और गाय जब भी मैं जा रहा हूँ पापा के लिए पानी देने के लिए, क्योंकि पानी ख़त्म हो गया दोपहर, सुबह से रखा रहता है दोपहर के लिए, थोड़ा कम पड़ जाता है। तो भाई देखिए अभी डेकोरेशन चल रही है, क्योंकि कल से नवरात्र शुरू हो जाएंगे, और अभी जस्ट शुरू ही की हमने डेकोरेशन। देखिए दोस्तों एक बार माता रानी के दर्शन कर लीजिए सभी भाई, आखिरी मैं आपको दिखाऊंगा डेकोरेशन पूरी होने के बाद में कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताना भाई कैसी लगी आपको हमारी डेकोरेशन। नहीं ठीक है ना, अभी बस शुरुआत करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। A few moments later. तो गाइज आप सभी एक्साइटेड हो, काफी मेहनत के बाद में भाई हमने पूरा सजा दिया है माता रानी का दरबार और अपने भगवान जी का भी, आप सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए आई होप। तो गाइज कर दे स्टार्ट, 1 2 3। ये देखो जी, ये है हमारी माता रानी का दरबार, ये है भैया पहले हमारा मंदिर का दरबार देख लो, ठीक है जी। अब ये जो हमने सजाया है ये है हमारी माता रानी का दरबार, ये देखिए किस तरीके से, भैया दर्शन कर लो सभी भाई माता रानी के, यहाँ पे देखो, ठीक है जी। ये देखो गाइस कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना, काफ़ी मेहनत लगी भाई इसको, कम से कम 1.5 घंटा हो गया मुझे सजाते सजाते। बस वृंदा, अब वृंदा से पूछते हैं वृंदा कैसे लगे? अच्छा लाइट बंद कर दो। अच्छा अच्छा अच्छा
तो बताना भाई कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको, ठीक है ना। वाओ गाइस, आप एक बार बताओ 10:30 बज रहे रात के, अब मैडम को चाहिए टीवी चलाओ टीवी चलाओ, कोई बात है? नहीं। पूछ लो इससे, बता 10:30 बजे कोई रात को टीवी देखे? बोल बोल ना अब, है बना रही हैं बिंगन समूह। देख 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 लो कोई कैसे मुंह बना हुए देखो। ओ ओ बाबा की। तो भाई कल से विंदा के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि 2 दिन से इसकी छुट्टी हुई थी ना, और अभी टाइम हो रहा है 11:15 बज रहे हैं दोस्तों। अभी एडिटिंग वेडिटिंग करके सब कुछ फिनिश करके अभी बैठा हूँ। आज कब लोग हमें यही पेंट करेंगे, कुछ बोलना क्या है? गुस्से में भाई, गुस्सा खतरनाक है इसका। तो हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए गाइस जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।